आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। हमारे चैनल ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सवाल किया कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन कमलनाथ को भाजपा में आने का आमंत्रण देती है, वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता एवं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि कमलनाथ के लिए भाजपा में कोई जगह नहीं। इस सवाल के जवाब में श्री शुक्ल बोले, भारतीय जनता पार्टी गुण दोष के आधार पर पार्टी में शामिल करती है। सुमित्रा महाजन जी कमलनाथ जी को आमंत्रित देती है कि आप भाजपा में आइए, वो कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि उनकी कोई जरूरत नहीं है भाजपा में, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी में जब भी कोई आने की इच्छा करता है गुण दोष के आधार पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व उसमें फैसला करता है। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने खड़े हैं, आज यहाँ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आए हैं, यहाँ पर संगठन की कोई बैठक होना है। हमने उनसे सवाल किया कि सुमित्रा महाजन जी तो कमलनाथ जी को आमंत्रित करती हैं भाजपा के लिए और कैलाश विजयवर्गीय मना करते हैं। शुक्ला जी ने कहा कि ये पार्टी गुणदोष के आधार पर ही किसी को लेती है। वहीं हमारे एक सवाल के जवाब में आपने कहा कि जल्दी ही रायसेन अस्पताल में डॉक्टरों की कमी पूरी कर दी जाएगी। मैं राकेश जैन राय।